Good morning, my dear respected students. Today, I'm just begin with a revision test number four. And here I want to just discuss some of the points which is important for you all. So hopefully my screen is visible. And I'm just going to discuss some points which is being displayed on your screen. Mere beta, today we are discuss about section 2 of part A. Yesterday we have discussed section 1 of part A, but today we are begin with section 2 of part A, which contains first two questions which contain 4 marks and after that 2 marks each. So it's my humble request that you all are requested to kindly concentrate. आपको सबको कंसंट्रेशन के साथ इस पे काम करना है. प्रीत गोगना जी वेलकम एंड गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग मेरा बेटा. अच्छा, अब आज हमारा काम क्या है? वी आर जस्ट सपोज टू गिव आंसर्स इन द फॉर्म ऑफ चैट बॉक्स. नो गूगल फॉर्म इज देयर टुडे. आज मैंने कोई गूगल फॉर्म नहीं रखा क्योंकि कई बार बच्चों को ऐसा लगता है कि पहले 20 मिनट्स गूगल फॉर्म में चले गए उसके बाद कवल जी सर डिस्कस कर रहे हैं. टुडे वी आर डिस्कसिंग with each other. एक दूसरे के साथ हम विचार विमर्श करेंगे and hopefully you give answers. So I'm just begin with question number 22 today. Question says, my dear respected students, a department is considering to maintain their worker data using SQL to store the data. As a database administrator, Karan has decided that the name of the database is this, that is department. And name of the table is worker. मेरे प्यारे बच्चों, मुझे जब तक मैं इसको स्टार्ट करता हूं, आप मुझे क्वेरीज लिख के भेजेंगे that how we are going to create a database named as department. आप मुझे पहले सबसे पहले वो क्वेरी चैट बॉक्स में डालिए और मेरी रिक्वेस्ट है एक्टिव रहना है हम लोगों ने और एक्टिव होके ही हम लोग काम करेंगे. मेरे प्यारे बच्चों, फटाफट जल्दी से जरा. वेरी गुड. होपफुली मेरे पास आंसर तो आएंगे 110%. वेरी गुड. चैट बॉक्स में मेरे पास एक आंसर आ चुका है और वो है मेरी बेटी का क्रिएट डाटाबेस डिपार्टमेंट. वेरी गुड. अच्छा, अगर मैंने यहां पे भी, अब देखिए हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा इसको मैं एडजस्ट कर देता हूँ स्क्रीन को कि मेरे प्यारे बच्चों को दोनों चीजें अच्छे से नजर आनी चाहिए होपफुली. वेरी गुड. अच्छा, अब हम लोगों ने क्या किया, जैसे मुझे लिख के भेजा क्रिएट और प्रीत को भी रिक्वेस्ट है कि वो भी यहाँ पे मेरे साथ पार्टिसिपेट करेंगे और अगर कोई चीज उनको नहीं पता लगती तो वो हमें बताएंगे. ठीक है, क्रिएट डाटाबेस मैंने लिखा DEPART ME NT और मेरे बच्चों मैंने एंटर हिट किया. प्लीज यहाँ पे चेक कर लीजिए कि आपका जो डाटाबेस है दैट इज क्रिएटेड. मेरे पास चैट बॉक्स में अभी सिर्फ मेरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. अच्छा, अब नेक्स्ट चीज, नेम ऑफ द टेबल दैट इज अ वर्कर. अब जो टेबल का नाम है वो वर्कर है मेरे प्यारे बच्चों. अच्छा, अब मेरे को यार इस डाटाबेस को यूज करना है. आई जस्ट वॉन्ट टू यूज दिस डाटाबेस. सो हाउ वी आर गोइंग टू यूज दिस डाटाबेस, उसके लिए कमांड टाइप करिए जरा. मैं यहां से मैंने लिखा यूज डिपार्टमेंट. मेरे पास चैट बॉक्स में भी आए हैं और मैंने एंटर कर दिया है, कोई बात नहीं, मेरे पास चैट बॉक्स में भी ऑप्शंस आ गई हैं. वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. और चैट बॉक्स में ऑप्शन. अच्छा, अब टेबल क्रिएट करना है फटाफट. मेरे बच्चों ने यहां लिखा है वर्कर आईडी कैरेक्टर ऑफ साइज 3 नेक्स्ट. वेरी गुड, मुझे लगता है चैट बॉक्स में मेरे पास आ गया. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. चलिए मैं आपको देखता हूं अभी, मुझे जल्दी से कौन टाइप करके दिखाता है. प्लीज ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये डाटाबेस जो गिवन है ना, सॉरी डाटा टाइप्स जो गिवन है, इसको अच्छे तरीके से देख के फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं. वेरी गुड, फटाफट मेरे पास रेडी है, मेरे पास रेडी है डाटा. मैं कोशिश करूंगा कि आप लोग मुझे बताएं वहां पे टाइप करके चैट बॉक्स के अंदर, क्योंकि मेरे बच्चों को अच्छे तरीके से आना चाहिए. वेरी गुड, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों की और जैसे ही आप लोग कंप्लीट करेंगे चैट बॉक्स में, उसी समय मैं आपको यहां पे वो टेबल क्रिएट करने का जो कोड है वो मेंशन कर दूंगा. होपफुली मेरे बच्चे कर रहे हैं. वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ग्रेट.
थोड़ा सा बड़ा है मेरे ख्याल से, इसलिए शायद हमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है। प्रीत ने क्रिएट टेबल वर्कर तो लिख दिया, बिल्कुल ठीक है। उसके नेक्स्ट वाला जो फेस है वो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ और होपफुली मुझे मिल जाएगा। मैं ट्राई कर रहे हैं, लिख रहे हैं, लिख रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा, अगर आप लोग चैट बॉक्स में जरूर डालिएगा, फिलहाल कवल जी सर क्या कर रहे हैं। कवल जी सर यहां से जो कोड कवल जी सर ने टाइप किया है वो यहां से हम कॉपी कर रहे हैं और पेस्ट कर रहे हैं, और कवल जी सर ने ये टाइप कर दिया, मेरे प्यारे बच्चों, क्रिएट टेबल वर्क, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, काइंडली कंसेंट्रेट। होपफुली आप चैट बॉक्स में 110% डालेंगे। क्रिएट टेबल वर्कर, वर्कर आईडी करेक्टर साइज 3, फर्स्ट नेम करेक्टर 10, लास्ट नेम करेक्टर 10, सैलरी न्यूमेरिक। मेरे बेटा, हम इंट भी यूज करते हैं, न्यूमेरिक भी यूज करते हैं। ज्वाइनिंग डेट डेट एंड डिपार्टमेंट दैट इज करेक्टर ऑफ साइज 10। मेरे बच्चों, मैंने जैसे ही यहां पे एंटर हिट किया, होपफुली ऑन माय स्क्रीन इट सेज क्वेरी ओके, इट मींस टेबल इज बीइंग क्रिएटेड। ओके, मैंने क्या किया, DESC, मैंने यहाँ टाइप किया DESC, एंड आई एम जस्ट गोइंग टू टाइप वर्कर एंड हिट द एंटर की। मेरे बच्चों, ये मैंने आपको दिखा दिया कि मेरा टेबल जो है वो क्रिएट हो चुका है। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अब मेरे बच्चे देखेंगे, प्लीज यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन आ गया मेरे बच्चों, राइट अ क्वेरी टू क्रिएट अ गिवन टेबल वर्कर। ये तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, इसका मतलब ये मेरा आंसर ओके हो गया। अगर मैं देखूं, और मैं कवल जी सर अगर यहां पे चाहे तो इस जगह पे मैंने यहां से किया इंसर्ट एंड रो बिलो, और मैंने यहां से मेरे बच्चों मार्क किया इसको, कंटेंट को एंटर हिट किया, और कवल जी सर यहां तक पहुंचे, और मैंने यहां पे आके राइट क्लिक किया एंड पेस्ट। मेरा मतलब कि ये जो आंसर है, ये मेरा आंसर यहां पे मुझे नजर आ रहा है, इसको मैंने रेड कलर पे कर दिया, वेरी गुड। अच्छा, आप सेकंड क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एट्रीब्यूट बेस्ट सुटेबल टू बी डिक्लेयर्ड एज ए प्राइमरी की। मुझे चैट बॉक्स में, क्योंकि ये तो अब शॉर्ट आंसर है ना, तो ये चैट बॉक्स में मुझे फटाफट नजर आ जाना चाहिए, वेरी गुड, आ गया, और वेरी गुड, बोथ बोथ आंसर इज करेक्ट, दैट इज अ वर्कर आईडी। मैंने यहीं से जो भेजा मेरे बच्चों ने, मैंने यहीं से आके इसको कॉपी पेस्ट किया, और करने के बाद मैंने यहाँ पे दोबारा से हमने यहाँ मेंशन किया, और करने के बाद आंसर टाइप किया, गेट रेडी नेक्स्ट के लिए। थोड़ा सा और अच्छे तरीके से रेडी रहिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन होपफुली आपने पढ़ा या नहीं, देखते हैं अभी। करण वॉन्ट्स टू इंक्रीज द साइज ऑफ फर्स्ट नेम कॉलम फ्रॉम 10 to 20 कैरेक्टर्स, राइट एन अप्रोप्रिएट क्वेरी टू चेंज द साइज। मेरे बच्चों, अब आप ध्यान से देख लीजिए कि फर्स्ट नेम, मेरे बच्चों मैं यहां पे आपको स्क्रीन पे दिखा रहा हूं, फर्स्ट नेम हमने जो पहले किया दैट इज करेक्टर ऑफ साइज 10, बट नाउ वी आर सपोज टू इंक्रीज दैट साइज फ्रॉम 10 to 20, सो व्हाट वी आर सपोज टू डू। मैं चैट बॉक्स में, अच्छा आप मुझे पूरी क्वेरी चाहे मत भी लिख के दीजिएगा, अब सिर्फ मुझे यही बता देना कि मैंने सेलेक्ट यूज करना है, मैंने ड्रॉप करना है, मैंने डिलीट करना है, मैंने ऑल्टर करना है, मैंने क्या करना है, वो चैट बॉक्स में डाल दीजिए आप, बाकी क्वेरी मैं लिख दूंगा, नो प्रॉब्लम। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, क्या बात है, मेरे पास आ गया, अरे वाह, क्या बात है। अच्छा, अब ये तो लिख दिया आपने, ऑल्टर टेबल लिख के भेज दिया, थैंक यू। अच्छा, अब मुझे ये लिख दो कि इसमें ऐड करना चाहिए, मॉडिफाई करना चाहिए, डिलीट करना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने यहां पे आया मेरे प्यारे बच्चों, और मैंने यहां लिखा ऑल्टर, मेरे ख्याल से ऑल्टर टेबल, और मेरे टेबल का नाम है वर्कर, वर्कर, मैंने एंटर हिट किया मेरे प्यारे बच्चों, मैंने लिखा मॉडिफाई, मैं क्यों मॉडिफाई लिख रहा हूँ, वेरी गुड, मुझे चैट बॉक्स में आंसर मिला है, मॉडिफाई इसलिए लिख रहा हूँ मेरे बेटा क्योंकि मैं इसको क्या करना चाहता हूँ, मॉडिफाई करना चाहता हूँ, आई एम जस्ट गोइंग टू मॉडिफाई दैट पर्टिकुलर थिंग, ठीक है। अब मैंने क्या किया, यहाँ लिखा मॉडिफाई, क्या मॉडिफाई करूं यार, समझ नहीं आ रहा, दैट इज FIRST फर्स्ट नेम, और उसके बाद उसका डाटा टाइप क्या है मेरे बच्चों, CHAR करेक्टर, साइज विल बी 20, एंड नाउ वी आर सपोज टू हिट द
एंटर की, मेरे बच्चों मैंने जैसे ही एंटर की हिट किया मुझे लगता है कुछ हुआ, और यहां पे एक बार देख लीजिएगा प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, यहां लिखा है फर्स्ट नेम करेक्टर विल बी 10। मेरे प्यारे बच्चों मैं यहां पे फिर मैंने किया डिस्क्राइब वर्कर, और अब आप दोनों मॉडिफिकेशन चेक कर सकते हैं कि पहले आपका करेक्टर का साइज 10 था मेरे प्यारे बच्चों, बट नाउ द साइज विल बी कंसीडर एज 20। अब यहां पे सेकंड पोर्शन में आपको 20 नजर आ गया। अच्छा अब मैंने क्या किया, व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर इज आई एम जस्ट गोइंग टू वेरी गुड सेलेक्ट दिस एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज अगेन सेम प्रोसीडर एंड वी आर जस्ट गोइंग टू क्लिक ऑन दिस एंड आई एम जस्ट गोइंग टू पेस्ट दैट इंफॉर्मेशन हियर फॉर आंसर। अच्छा अब थर्ड फोर्थ वाला आ गया। अच्छा फोर्थ से पहले तो हमें कुछ करना पड़ेगा, चलो देखते हैं फोर्थ वाला। करण वांट्स टू रिमूव ऑल द डाटा फ्रॉम द टेबल वर्कर फ्रॉम द डाटाबेस डिपार्टमेंट, विच कमांड विल ही यूज फॉर द फॉलोइंग। अच्छा उससे पहले ना एक सेकेंड, मुझे चैट बॉक्स में भी कुछ आया था, एक बार देख लूं। वेरी गुड वेरी गुड, मुझे मॉडिफाई मिल गया था, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और वहां पे मुझे आंसर दे दिया है चैट बॉक्स में किसी ने कि इसका फर्स्ट वाला होगा। अच्छा कोई बात नहीं, एक सेकेंड मैं पता क्या कर रहा हूँ, एक सेकेंड मुझे दीजिएगा, अभी मेरे पास क्योंकि उसमें कोई डाटा नहीं है ना, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दैट इन्फॉर्मेशन। मैंने कॉपी किया, इसको पेस्ट कर दिया और होपफुली एंटर हिट किया, वेरी गुड। अच्छा मैं दोबारा इसी चीज को सेम ही पेस्ट कर देता हूँ क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे पास कुछ इन्फॉर्मेशन हो, मैंने किया। अच्छा बेटा आप देखिएगा, मैंने लिखा सेलेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम WORKER, मैंने एंटर हिट किया, ये देखिए मेरे बेटा आपको इन्फॉर्मेशन आ रही है, और मेरे बच्चों ने मुझे चैट बॉक्स में वेरी गुड मुझे फर्स्ट ऑप्शन मेंशन किया है चैट बॉक्स में, प्रीत बच्चे ने। प्रीत एक बार चेक करके देख लेता हूं आपने जो बोला, यहां पे आया DELETE डिलीट फ्रॉम, क्योंकि सारा डाटा डिलीट करना चाहते हैं, मैंने लिखा वर्कर और जैसे ही एंटर हिट किया वेरी गुड, लगता है कुछ हुआ है, और मैंने यहां लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम वर्कर। अब वो मुझे क्या कह रहा है, एम्प्टी सेट, मेरे बच्चों वो मुझे कह रहा है एम्प्टी सेट, इट मींस देयर इज नो डाटा इन दैट पर्टिकुलर टेबल, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर इज वी आर सपोज टू सेलेक्ट दिस एंड अगेन वी आर सपोज टू इंसर्ट अ न्यू रो एंड वी आर सपोज टू मेंशन हियर दैट द करेक्ट आंसर इज डिलीट फ्रॉम नेम ऑफ द टेबल दैट इज अ वर्क। अच्छा आप मेरे बच्चों नेक्स्ट देखिएगा, ये हम वैसे कर चुके हैं पर फिर भी आप देख लीजिए, लिखा है राइट अ क्वेरी टू डिस्प्ले द स्ट्रक्चर ऑफ द टेबल वर्कर दैट इज नेम ऑफ द एट्रीब्यूट एंड देयर रिस्पेक्टिव डाटा टाइप्स। अच्छा चैट बॉक्स में डालना, ये तो मुझे लगता है वाह क्या बात है, आ भी गया, अरे वाह अरे वाह। अच्छा देखो आप दोनों ने क्लैरिटी डाल के लिखा है, पर तनीषा स्पेलिंग मिस्टेक कर गई, कोई बात नहीं, और इसने मेरे बच्चे ने, देखो वेरी गुड प्रीत, बहुत अच्छे तनीषा बेटा, बहुत अच्छे। अब देखो मेरे दोनों बच्चों ने अलग अलग लिखा है, मेरी एक बेटी ने लिखा है DESCWORKER, एक बच्चे ने ये लिखा है, बिल्कुल ठीक है, एक ने लिखा है DESCRIBE डिस्क्राइब WORKER, और हमने एंटर हिट किया, दोनों के साथ हमारा जो है वो काम हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू सेलेक्ट दिस, हिट द एंटर की, व्हाट वी आर गोइंग टू डू अगेन इंसर्ट अ पर्टिकुलर रो, वेरी गुड, एंड व्हाट वी आर गोइंग टू डू कॉपी एंड पेस्ट। अब बेटा मैं यहाँ पे ना और लिख रहा हूं क्योंकि हम दोनों चीजें मुझे लगता है कि हमें ऐड करना चाहिए, और वो हमारे लिए भी अच्छी बात है और समझने वाला जो पढ़ने वाला है उसके लिए भी क्लैरिटी हो जाएगी। तो मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू ओके इंसर्ट दिस एंड मेक मॉडिफिकेशन विद कलर रेड, वेरी गुड। अच्छा अब मैं पता क्या कर रहा हूं अभी के लिए फिलहाल, आई एम जस्ट गोइंग टू एग्जिट फ्रॉम माई सीक्वल, मैंने एग्जिट कर दिया इसमें से। अच्छा अब मेरे पास नेक्स्ट जो क्वेरी है, देखिएगा प्लीज प्लीज, इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, एक बार मिनिम मैक्सिमाइज कर लेता हूं। 23rd क्वेश्चन सेज, माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, प्लीज ध्यान से, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, ये मैं प्रैक्टिकली करने वाला हूं और उसके बाद हम चेक करेंगे। अशोक कुमार ऑफ क्लास 12 इज राइटिंग अ प्रोग्राम टू क्रिएट अ सीएसवी। सबसे पहले सीएसवी की फुल फॉर्म जरा चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए, वेरी गुड होपफुली
मेरे पास पहुंच जानी चाहिए सीएसवी. व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीएसवी? वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू. मेरे पास आ गया कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच. अच्छा अब मेरे बच्चों मैंने क्या किया, पढ़ना शुरू किया फाइल दैट इज ईएमपी डाटा डॉट सीएसवी विद एम्प्लॉय आईडी, वेरी गुड, नेम एंड मोबाइल नंबर. इट मींस वी हैविंग थ्री डिफरेंट इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर, एंड सर्च एम्प्लॉय आईडी एंड डिस्प्ले द रिकॉर्ड. और सर्च जो कर रहे हैं वो एम्प्लॉय आईडी के बेसिस पे करेंगे, एंड देन वी आर सपोज टू डिस्प्ले द एंटायर डाटा दैट इज एम्प्लॉय आईडी, नेम एंड मोबाइल नंबर. ही हैज रिटन द फॉलोइंग कोड एज अ प्रोग्रामर, हेल्प हिम टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट द फॉलोइंग टास्क. मेरे प्यारे बच्चों कवल जी सर क्या कर रहे हैं देखिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. कवल जी सर ने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस कंटेंट, मैं ये सारे का सारा जो कंटेंट है आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस इंफॉर्मेशन एंड होपफुली आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन अ न्यू, ओके न्यू डॉक्यूमेंट एंड आई एम जस्ट गोइंग टू मिनिमाइज दिस फॉर अ टाइम एंड देन आई एम जस्ट गोइंग टू शिफ्ट इट टुवर्ड्स लेफ्ट एंड राइट पोर्शंस. ओके नाउ काइंडली कंसंट्रेट, देयर इज नो नीड टू लुक द प्रोग्राम हियर इन क्वेश्चन सेक्शन. What we are going to do here is, first of all, मेरे बच्चों आप ध्यान से सुनना और ये ध्यान से देखिएगा प्लीज. कृपया करके यहां देखिए, सबसे पहले लिखा है नेम द मॉड्यूल ही शुड इंपोर्ट इन लाइन नंबर वन. मेरे बच्चों ये जो लाइन नंबर वन है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या बात है. अच्छा मेरे बोलने की देर होती है, पहले ही आंसर आ जाता है, वेरी गुड वेरी गुड. अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां से आके ना हम कोशिश करेंगे ये प्रोग्राम चला के देखने की. सी एस वी, मेरे बच्चों ने मुझे आंसर दिया दैट इज सी एस वी, वेरी गुड. ये मेरा पहला हो गया. प्लीज प्रोग्राम को भी देखते जाइएगा बेटा, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट. अच्छा ये क्या लिया, वन वेरिएबल इज देयर और वी कैन से दैट दिस इज अ लिस्ट, और इसके अंदर क्या है, हेडिंग स्टोर हो गई इंप्लॉय आई डी, नेम एंड मोबाइल नंबर. अब मेरे बच्चों क्या हुआ, नेक्स्ट थिंग वट वी आर यूजिंग इज, हियर इट इज द इंफॉर्मेशन विच बिलोंग्स टू दैट पर्टिकुलर एम्प्लॉय आई डी, नेम एंड मोबाइल नंबर विल बी स्टोर्ड. एंड फॉर एग्जाम्पल दे आर सपोज टू स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ फाइव डिफरेंट इंप्लॉयज, ये पांच डिफरेंट इंप्लॉयज का जो इंफॉर्मेशन है दे आर सपोज टू स्टोर. मेरी बात यहां तक मुझे लगता है क्लियर है, माई वर्ड इज क्लियर. नेक्स्ट इज दैट फाइल नेम इज इक्वल टू, नाउ इन अ वेरिएबल दे आर सपोज टू स्टोर द नेम ऑफ द फाइल दैट इज ई एम पी डाटा डॉट सी एस वी with open file name that is emp data dot csv, new line by default the value is this. After that what they are going to do is they are supposed to perform the write operation, write करने वाले हैं. अच्छा आप write करेंगे क्या, मुझे लगता है एक तो field को write करेंगे और एक rows को write करेंगे, ठीक है. अब please यहां देखना, अच्छा एक second मैं कोशिश करूंगा कि क्योंकि बाकी भी जो लोग देखने वाले हैं बाद में वो लोग कंफ्यूज ना हो, और यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम लोग आंसर लिखते जाए, है ना. सी एस वी हो गया. अच्छा अब आप जो नेक्स्ट ब्लैंक आ रहा है उसको थोड़ा सा इमेजिन करिएगा और कोशिश करिएगा उसमें क्या आना चाहिए, मुझे चैट बॉक्स में डालिएगा. अच्छा यहाँ पे लिखा है लाइन नंबर टू, राइट अ कोड टू राइट द फील्ड्स कॉलम हेडिंग्स. एक बार वो कहता है कि अगर आप हेडिंग डाल दीजिए वंस फ्रॉम फील्ड लिस्ट इन लाइन टू, बिल्कुल ठीक. अच्छा अब मैं डालना क्या चाहता हूं, मैं फील्ड्स की इंफॉर्मेशन डालना चाहता हूं, और यहां पे मुझे क्या लिखना होगा, अगर चैट बॉक्स में कोई मुझे हेल्प कर पाए, वेरी गुड ग्रेट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड. मेरे पास आ गया एक का आंसर आ गया, वेरी गुड वेरी गुड. अच्छा राइट रो, अच्छा मैं ना एक रिक्वेस्ट करता होता हूँ बेटा कि आप जब लिखते हैं तो फुल फ्लैश लिखा करें. देखिए जैसे अगर मैं यहाँ पे आपने जो लिखा वो ठीक है, दैट इज सी एस पी अंडर स्कोर डब्ल्यू डॉट, अब मैंने क्या लिखा डब्ल्यू आर आई टी ई राइट आर ओ डब्ल्यू, मैंने राइट रो, रो इसलिए लिया क्योंकि मैं एक ही इंफॉर्मेशन एक ही रो को मैं डालना चाहता हूं, और रो जो है उसके अंदर जो कंटेंट है वो मुझे कहां से मिलेगा, दैट इज विथ फील्ड, ये मुझे फील्ड से मिल जाएगा. कहता सर बिल्कुल ठीक है, ये मैंने लिख लिया यही वाला फील्ड एफ आई ई एल डी एस. कहता बिल्कुल ठीक है सर. कहता अच्छा, कहता आप कवल जी सर क्या करेंगे, कहता कवल जी सर करेंगे कि यहां से इसको कॉपी कर लें. कहता बिल्कुल कर लिया. नेक्स्ट पे गए, कहता हां जी, और यहां पे हमने क्या किया, इसको इंसर्ट किया. इंसर्ट करने के बाद हमने यहां से इसको पेस्ट किया मेरे बच्चों,
और पेस्ट करने के बाद कवल जी सर ने यहां पे आपको दिखाया। अच्छा आप नेक्स्ट देखना, आपको आता है 100% आता है। राइट अ कोट टू राइट द रोज। अब बेटा रो नहीं बोला उसने, रोज, क्योंकि हमारे पास 5 इंप्लॉयज की इंफॉर्मेशन अवेलेबल है ऑल एट वंस। एक ही बार में अगर हम रो लगाएंगे तो वो एक ही इंफॉर्मेशन एक बार में करेगा, बट एट वंस फ्रॉम रोज लिस्ट इन लाइन 3। चैट बॉक्स में डालिए। वेरी गुड। अब मुझे लगता है कि हमें, वेरी गुड, मुझे आंसर मिल तो गया है वहां पे। अरे वाह 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 तनिषा, मेरी बेटी ने भी एक्टिव रहना है, मेरी बच्चे ने भी एक्टिव रहना है। वेरी गुड, थैंक यू। अब मेरे बच्चों ने यहाँ पे लिखा, देखिए हमने लोगों ने मेंशन किया, हेयर इट इज csv_w. मैंने लिखा राइट। अब मैंने रो तो लिखा, बस ऐसे इसलिए मेंशन कर दिया क्योंकि मेरे पास एक से ज्यादा इंफॉर्मेशन है, और वो इंफॉर्मेशन पड़ी किसके पास है बेटा, वो पड़ी है रोज के पास। कहता बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। एक और तनिषा बच्चे का भी आ गया, तनिषा ठीक है, थैंक यू तनिषा। अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने इसको यहां से कॉपी किया और मेरे बच्चों ने जैसे मुझे गाइड किया हुआ है कि सर आप हमारे साथ साथ करते रहिए, तो मैंने कहा बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे आया और मेरे प्यारे बच्चों, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी एंड पेस्ट दिस इंफॉर्मेशन एंड ओके। अच्छा अब मेरा फोर्थ है यहाँ क्वेश्चन। अच्छा याद रखिएगा, वी आर सपोज टू परफॉर्म, वी आर सपोज टू अटेम्प्ट ओनली 4 पॉइंट्स इन स्पाइट ऑफ 5, बट बिकॉज दिस इज अ प्रैक्टिकल सेशन एंड वी आर डिस्कसिंग समथिंग, इन सच केस वी आर परफॉर्मिंग ऑल द 5। नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स इन लाइन 4 टू रीड द डाटा फ्रॉम द सीएसवी फाइल। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे चैट बॉक्स में मेरे कहे बिना ही किसी ने डाल दिया है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अच्छा अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू मैंशन हेयर, मेरे बच्चों आई एम जस्ट गोइंग टू मैंशन हेयर, लिखा है csv_r और मैंने लिखा यहाँ पे CSV, that is the name of the module which we are importing, and READER, which is supposed to read the content and delimit delimiter, which is by default that is a comma, but as per convenience we can change that information if we require. अच्छा कहता आप उसके बाद वो क्या करे, कहता आंसर इज इक्वल टू यस वाई, ये आगे काम करना शुरू करे और क्या कहे आपसे कि जो एम्प्लॉय आईडी आप सर्च करना चाहते हैं वो आपसे पूछा, लूप के अंदर एंटर किया, रो की लेंथ चेक किया और रो 0। अच्छा अब रो 0 क्यों लिखा है भाई, क्योंकि मेरे बच्चों ये वाली जो इंफॉर्मेशन है जो हमारी इंप्लॉय आईडी है ये 0 इंडेक्स पे है, नेम उसका जो है वो फर्स्ट इंडेक्स पे है, और जो उसका मोबाइल नंबर है दैट इज ऑन द इंडेक्स नंबर 2, 0, 1 एंड 2। अब क्या किया, दे आर सपोज टू कंपेयर दैट इंफॉर्मेशन इफ the EMP ID, employee ID which is being entered by a user is supposed to be similar to this information which is there in the file, then they are supposed to display the content, or otherwise they are supposed to display the message that is employee ID not found. अच्छा अगर आप लोग मुझे अलाउ करें और एक बार मैं अगर इसको चला के देखने की कोशिश करूं, मैंने एंटर हिट कर दिया है, इसको देते हैं EN1 कर देते हैं, कोई बात नहीं। और मैंने कवल जी सर ने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू हिट द एंटर की और मैंने यहाँ पे देखिए मेरा कंटेंट मुझे लगता है चलने वाला है, मैं थोड़ा सा साइड पे कर लूँ एक बार इसको, हाँ क्योंकि ये दोनों चीजें नजर आए आपको। अच्छा आप देखिएगा यहाँ लिखा है एंटर एम्प्लॉय टू सर्च, कौन सा एम्प्लॉय आईडी मेरे पास 101, 2, 3, 4 एंड 5 है। सबसे पहले मैं वो करता हूँ जो मेरे पास है, मैंने किया 105, मैंने एंटर हिट किया, ये देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ गया, नेम इज लक्ष्य एंड मोबाइल नंबर इज दिस। बेटा अगर आप देखोगे तो यही इंफॉर्मेशन हमने यहाँ पे मेंशन किया था विच इज एज सिमिलर। ओके कहता है डू यू वांट टू सर्च मोर, व्हाई, ये हमारी कौन सी क्वेरी आ रही है, ये वाली क्वेरी जहां पे वो हमसे पूछ रहा है कि डू यू वांट टू सर्च फॉर मोर इंफॉर्मेशन, आई एम जस्ट गोइंग टू हिट द व्हाई एंड हिट एंटर। ओके अब मैंने क्या किया, आई एम जस्ट गोइंग टू लुकिंग फॉर 115 विच इज नॉट देयर इन आवर कॉन्टेंट, हमारे कॉन्टेंट के अंदर वो चीज इंफॉर्मेशन में अवेलेबल नहीं है। So what they are going to perform, they are supposed to display employee ID not found. मेरे बच्चों, I am going to hit the enter key and what they are saying that employee ID is not found. मेरे बच्चों को अगर कवल जी सर की ये, देखो अब हमने प्रैक्टिकली करके देखा है उस चीज को, अगर मेरे बच्चों को ये मेरी कवल जी सर की बात समझ आई हो तो प्लीज एक बार हैंड रेज करने की कृपालता कीजिएगा। वेरी गुड वेरी गुड।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू मेरे प्यारे बच्चों। आपके इंफॉर्मेशन के लिए ना मैं ये आपको प्रोग्राम भी प्रोवाइड करा दूंगा। वेरी गुड तनिषा, का नेट यहाँ तो स्लो चल रहा है, यहाँ मेरा बेटा थोड़ा सा कम एक्टिव है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, कोई घबराने की आवश्यकता नहीं। हाँ थैंक यू तनिषा जी, थैंक यू। अच्छा मैंने अब ये बंद कर दिया, आई एम जस्ट गोइंग टू क्लोज दिस। मैंने कहा ओके नो प्रॉब्लम। चलिए जी अब अगली कार्रवाई की ओर बढ़ते हैं। ओहो हम लोगों ने मेरे ख्याल से ये वाला फोर्थ का नहीं देखा ना, चल कोई बात नहीं। मैं यहाँ पे आया, मैंने इंसर्ट किया, बिलो कर दिया, वेरी गुड। अच्छा मैंने फिल इन द ब्लैंक्स लाइन नंबर हमने यहाँ पे लिखा था मेरे ख्याल से CSP.READER रीडर रीडर, ठीक है रीडर ही लिख देते हैं। ओके और अब हमारा लास्ट वाला मैं शायद मिस कर गया, वो मैंने बंद कर दिया, कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम। तो हमारे पास अब क्या है, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मैच द एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय आईडी, अच्छा वो मैं मिस कर गया, नो प्रॉब्लम। यहाँ पे इस केस में एक बार आप मुझे अलाउ कीजिए, मैं यहाँ पे इसको एक सेकंड में ओपन कर देता हूँ फटाफट। मैंने उसका नाम दिया था EN1, मैं एंटर हिट करता हूँ। चलिए देखिएगा प्लीज, यहाँ पे मैंने इसको यहाँ से हटाया और इसको मिनिमाइज कर दिया। वेरी गुड, फिलिंग द ब्लैंक्स टू मैच द एम्प्लॉय आईडी एंटर्ड बाय द यूजर विद द ईएमपी आईडी ऑफ रिकॉर्ड फ्रॉम अ फाइल इन लाइन नंबर 5। अच्छा लाइन नंबर 5, ओके ये मेरे ख्याल से हमने पहले से ट्राई किया था। वो क्या कहता है, रो 0 इसलिए लिखा है क्योंकि हम जो कंपेरिजन कर रहे हैं दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ एम्प्लॉय आईडी। सो इन सच केस व्हाट वी आर गोइंग टू डू, आई एम जस्ट गोइंग टू कॉपी दिस इंफॉर्मेशन, क्लिक हियर, राइट क्लिक एंड क्लिक ऑन द इंसर्ट एंड बिलो, एंड माय डियर रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स अगेन वी आर जस्ट गोइंग टू पेस्ट इट एंड मेक इट रेड। अच्छा अब देखिएगा, होपफुली अब ये हमारा काम हो चुका है। अब देखिएगा प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट मेरे प्यारे बच्चों, जरा ध्यान से, अच्छा बहुत ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं नो प्रॉब्लम। अब जरा ध्यान से कृपया करके देखिएगा, आप लोगों को परफेक्टली नजर आना चाहिए सब लोगों को, ठीक है मोर देन सफिशिएंट। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 24 आई थिंक सो वी हैव डन यस्टरडे, कल हम लोगों ने कर लिया। अच्छा अब देखिएगा प्लीज, और आप सब लोगों की मुझे जरूरत है, और वो आप ये देखेंगे, देखिए क्वेश्चन नंबर 25 व्हाट इट सेज, डिफाइन एंड एक्सप्लेन ऑल पार्ट्स ऑफ यूआरएल। मेरे बेटा पहले तो यूआरएल की जो है फुल फॉर्म वो चैट बॉक्स में डालिए फटाफट, वेरी गुड डालिए 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 यूआरएल, वेरी गुड वेरी गुड। मुझे मिल जाएगी, मुझे पता है मुझे मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी, वेरी गुड यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। अच्छा अब ये देखो मेरे पास बड़ी इंपॉर्टेंट चीज और बड़ी अच्छी चीज है, ऑल पार्ट्स ऑफ यूआरएल ऑफ अ वेबसाइट दैट इज HTTPS, आफ्टर दैट WWW, आफ्टर दैट गूगल, आफ्टर दैट को, आफ्टर दैट इन। अब मेरे बच्चों मेरी बात प्लीज, मेरी इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट कि ध्यान से सुनिएगा कवल जी सर की बात, बड़े आराम से गौर से और इस तरीके से कि हमें समझ आ जाए कि एक्चुअल में ये चीज है क्या। अच्छा अब मैं ना एक एक चीज मेंशन करता जाऊंगा, यहाँ पे मैंने लिखा प्रोटोकॉल, आप मुझे चैट बॉक्स में मेंशन करिएगा कि इसमें प्रोटोकॉल क्या है, वेरी गुड फटाफट। मैंने सबसे पहला हिंट दे दिया आपको कि ये जो लिखा हुआ है HTTPS WWW, वेरी गुड। अब मेरे बच्चों ने मुझे कहा HTTP, वेरी गुड वेरी गुड। HTTP की फुल फॉर्म भी डाल दीजिएगा प्लीज, जब तक मैं यहां पे टाइप करूं ना, HTTPS है, अरे वाह मेरा कीबोर्ड ही बड़ा प्यारा है, HTTPS। मेरे बच्चों आप यहां से मुझे चैट बॉक्स में टाइप कर दीजिए क्या है और मेरे पास आ गया, वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, सिक्योर हाइपर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, वाह क्या बात है। अच्छा कवल जी सर ने क्या किया आप देखिएगा जरा, कवल जी सर ने यहां से आके इसको पेस्ट किया हाइपर, वेरी गुड, और टी हटा दिया, हाइपर टेक्स्ट, बिल्कुल ठीक है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है ये हमारी पहली इंडिकेशन, फर्स्ट इंडिकेशन दैट दिस इज अ प्रोटोकॉल। अच्छा अब सेकंड इंडिकेशन, वेरी गुड। अब कवल जी सर सेकंड आपको हिंट दे रहे हैं, सेकंड सेज वेब सर
अरे वाह, ये मेरा ना SERVICE, सॉरी वेब सर्विस। अच्छा अब इसमें से वेब सर्विस कौन सी है, हिंट लीजिए, HTTPS के बाद वेब सर्विस कौन सी है। वेरी गुड, फटाफट 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 फटाफट, चैट बॉक्स में आ गया भाई, चैट बॉक्स में आ गया WWW। वेरी गुड, अच्छा अब WWW तो आ गया, WW। अरे वाह क्या बात है, क्या बात है मेरे पास, वेरी गुड। अच्छा अब मेरे पास यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन में मेरे बच्चों ने टाइप कर दिया, इट स्टैंड्स फॉर अ वर्ल्ड वाइड वेब। वाह क्या बात है। अच्छा अब मैंने क्या किया, नेक्स्ट पॉइंट, अब मैं वेब सर्विस के बाद, एक सेकंड सिर्फ, वेब सर्विस के बाद अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं एंटर हिट कर रहा हूँ। अच्छा अब मैं नेक्स्ट क्लू दे रहा हूँ आपको, मैंने लिखा नेम ऑफ SERVER, होपफुली अब ठीक रहेगा ये। अरे भैया ये कहाँ ठीक रहता है, अब मैंने लिखा नेम ऑफ सर्वर। अच्छा अब नेम ऑफ सर्वर बताओ फटाफट, इसमें देखो HTTP प्रोटोकॉल हो गया, HTTPS, WWW वेब सर्विस हो गया, अब मेरे पास नेम ऑफ द सर्वर, सर्वर का नाम क्या है। वेरी गुड, सर्वर का नाम, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अरे वाह क्या बात है, मेरे पास सर्वर का नाम आ गया, वेरी गुड, और मैंने सर्वर का नाम लिखा यहाँ पे आ गया कवल जी सर के पास, और ये लिखा गूगल। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, परफेक्ट। अच्छा मैंने क्या किया देखिए प्लीज जरा ध्यान से, मैंने गूगल लिख लिया सर्वर का नाम। अब मेरे बच्चों नेक्स्ट हिंट, नेक्स्ट हिंट जो आ रहा है, अब DNS, डोमेन नेम सर्विस, डोमेन नेम सर्विस, DNS का फुल फॉर्म। अच्छा अब इसमें मुझे DNS बताओ, DNS क्या है, डोमेन नेम सर्विस क्या है। वेरी गुड, यहां तक आ गए, प्रोटोकॉल, वेब सर्विस, नेम ऑफ सर्वर, अब DNS क्या है हमारे पास। वेरी गुड, DNS, मेरे बच्चों ने DNS लिखा, DNS लिखा, अभी तक मेरे पास नहीं आया DNS। अच्छा नहीं आया, ना 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 ना, प्रीत ने गलत लिख दिया, नो ना ना, तनीषा ने भी गलत लिखा है। अच्छा अब यहाँ पे आया DNS का मतलब है को। अच्छा अब मुझे को की फुल फॉर्म बताइए, को की फुल फॉर्म क्या होती है। वेरी गुड, मैंने टाइप तो कर दी है होपफुली, वेरी गुड वेरी गुड, मेरे पास, वेरी गुड, मेरे पास आ गया, दैट हियर इट इज DNS, DNS स्टैंड्स फॉर अ को दैट रिप्रेजेंटिंग दैट दिस इज अ कमर्शियल, कमर्शियल मींस इट बिलोंग्स और इट रिलेटेड विद अ मनी, ये कहीं ना कहीं किसी कमर्शियल चीज के साथ, मनी के साथ एसोसिएटेड है, इन सच केस वी आर कंसीडर इट एज अ कमर्शियल। अच्छा अब लास्ट चीज आ गई, नेम ऑफ CONTRY। अच्छा अब नेम ऑफ कंट्री, अच्छा अब मुझे ये देखना है कि अब ये किस कंट्री के नाम के साथ एसोसिएटेड है भाई। ये जैसे मैं टाइप कर रहा हूं www.google.co.ca, अभी यहां पे लिखा हुआ है .in, तो मेरे बच्चों IN इसका मतलब क्या हुआ कि ये किस कंट्री को बिलोंग कर रहा है, IN। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, अरे वाह क्या बात है, क्या बात है, मेरे पास आ गया मैसेज और उसमें लिखा है सर IN इज रिप्रेजेंटिंग टू अ कंट्री दैट इज इंडिया। अब मेरे बच्चों को मुझे लगता है ये बात अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी जो कवल जी सर ने अभी डिस्कस की है। कहता बिल्कुल ठीक, कहता यहां तक हो गया, कहता सर बिल्कुल हो गया, कहता अगला आ गया, कहता सर बिल्कुल आगे। सर प्लीज देखिएगा ध्यान से, दैट इज क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा ये मैं आप क्यों कह रहा हूं, मेरे बच्चे जो देख रहे हैं, ये मैं क्यों कर रहा हूं, ऐसे क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि मैं कहता हूं कि आप हौच पौच ना करें चीजों को बेटा, चीजों को करना और परफेक्ट वे से करना, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैंने देखो यहाँ पे बिल्कुल प्रॉपर वे से लिखा, प्रोटोकॉल ये, वेब सर्वर ये, DNS ये, नेम ऑफ सर्वर ये, नेम ऑफ कंट्री ये, तो उससे क्या है कि आपका एक अच्छा इम्पैक्ट जाता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट जाता है, दैट यू आर परफॉर्मिंग योर थिंग्स इन अ वेरी इफेक्टिव मैनर, आप बहुत ही प्रभावशाली तरीके से अपने कार्य को जो है वो पूरा कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज, डिफाइन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मल आर्ग्यूमेंट्स इन पाइथन विद एग्जांपल। मेरे बच्चों अब जिनको ए फॉर्मल आर्ग्यूमेंट, सबसे पहले नाम डालिए, वेरी गुड, नेम मेंशन करिए,
जिसको भी आता है, वेरी गुड, होपफुली जरूर आता होगा, 110% आता होगा, फॉर्मल आर्गुमेंट्स, वेरी गुड। मेरे बच्चों ने मुझे अभी तक तो नहीं मिले, वेरी गुड। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, आ गया मेरे पास, मेरे पास आ गया सबसे पहले पोजिशनल आर्गुमेंट। अच्छा आप देखना जरा, देखो हम इसको, अब मैंने यहां लिखा पोजिशनल आर्गुमेंट, सबसे पहले मुझे तनिषा ने भेजा है सर पोजिशनल आर्गुमेंट। अच्छा पोजिशनल आर्गुमेंट का देखना एक सेकंड प्लीज, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। अब ये देखिएगा कवल जी, सर कर क्या रहे हैं, मैंने यहाँ पे इसको बंद कर देता हूँ, है ना, ये हमारा पहले वाला था ना, इसको बंद कर देता हूँ, न्यू ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ फिलहाल, फिलहाल के लिए मिनिमाइज कर देता हूँ, इसको साइड पे यहाँ पे ले आता हूँ, ठीक है। अब देखिएगा मैं बिल्कुल सिंपल सी चीज ले रहा हूँ, मैंने लिखा डेफ, मैंने लिखा फन, F-U-N, fun, मैंने लिखा A, कॉमा B, कॉमा C, मेरे बच्चों मैंने लिखा, मैंने सेमी कॉलन डाला और लिखा D इज इक्वल टू, सिंपल सी चीज हम लिखेंगे D इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C। अब मैंने यहाँ लिखा हेयर टेल्स प्रिंट, प्रिंट क्या किया D, मैंने प्रिंट कर दिया D, और मेरे बच्चों मैंने यहाँ पे इस फंक्शन को कॉल कर लिया, मैंने लिखा फन। प्लीज यहां ध्यान से देखिएगा, मैं पोजिशनल आर्गुमेंट की बात कर रहा हूं। अब यहां पे एरर क्या आना चाहिए, मैं एक बार सबसे पहले इसको रन करके दिखा रहा हूं आपको, है ना, मैंने लिखा ई एन टू, आज हम ई एन वन और ई एन टू कर रहे हैं ना। अच्छा मैंने अब ये देखा, वो कहता है कि मिसिंग थ्री, ये देखो क्या आ गया, फन फंक्शन मिसिंग थ्री रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्गुमेंट ए बी एंड सी। मुझे लगता है चैट बॉक्स में भी कुछ नहीं, अच्छा चैट बॉक्स में नहीं आया। अब मैंने क्या किया बेटा, मैंने यहां डाला 5, 10 और मैंने यहां डाला 15। इसका मतलब क्या है कि यहां पे, अब ये देखिएगा मेरे बच्चों, ये मेरे बच्चों जरा ध्यान से सुनिएगा, ये क्या है, दीज आर एक्चुअल, ये क्या है बेटा, एक्चुअल आर्गुमेंट्स। और यहां पे अगर मैं बात करूं तो मेरे बच्चों ये क्या है, फॉर्मल, दीज आर फॉर्मल्स। अब क्या होगा, 5, 10 और 15 ऑटोमेटिकली स्टोर हो जाएंगे ए बी और सी के अंदर, और आपको रिजल्ट जो है प्रेफरेबली, मुझे लगता है ये देखिए अब रिजल्ट आपको नजर आ गया, दैट इज टू बी कंसीडर एज अ आउटपुट, दैट इज टू बी कंसीडर एज 30, कहता ये 30 आपको आउटपुट नजर आ गया, मान जा क्यों नहीं मानता, कहता अब क्या हुआ, कहता कवल जी सर ने सबसे पहले इसको कॉपी किया, कहता बिल्कुल ठीक है सर, कहता यहाँ पे आए और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया,